नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। आज सुबह से ही बिहार के कई जिलों में एनआईए की टीम ने दबिश दे रखा है और 30 से 32 ऐसे जगह है जहां पर आज सुबह से एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी की जा रही है। आपको बताएं कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले फुलवारी शरीफ में, यानी राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में विरोधी गतिविधियां हैं उसमें संलिप्त होने के मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये छापेमारी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ मामला बताया जा सकता है। आपको बताएं कि पटना से सटे फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम ने दो इलाके में छापेमारी कर रही है और आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर इस वक्त विजुअल भी देख पा रहे हैं कि फुलवारी शरीफ के मिल्कियाना मोहल्ले में मौजूद एसडीपीआई एहसान परवेज के घर में छापेमारी की गई है। छापेमारी सुबह सुबह की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ फुलवारी शरीफ के गौनपुरा इलाके में एनआईए की टीम ने छापेमारी कर रही है। यहाँ दो लोगों के घरों की तलाशी और पूछताछ वहाँ पर की जा रही है, पूरी तफ्तीश की जा रही है, खंगाला जा रहा है तमाम लोगों के घरों को। और अमीन खान जो हैं और छोटे खान के घर में भी एनआईए की टीम मौजूद है और घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। इनका नाम फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के मामले में सामने आया था और जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही बिहार के कई जिलों में माना जा रहा है कि 30 से 32 जिले जिसमें अररिया समेत राजधानी पटना और कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सुबह से एनआईए की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। आप इस वक्त स्क्रीन पर भी अपने देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि पीएफआई के वर्तमान लीडर अब्दुल रहमान नदवी, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल जो पीएफआई का लीडर भी है, फुलवारी शरीफ मामला को लेकर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने की सूचना नहीं है। एनआईए की टीम जो सर्च ऑपरेशन है वो कर रही है। आपको बताएं कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियां जो चल रही थी पीएफआई मॉड्यूल को लेकर, और उसके बाद जो एनआईए की टीम है वो बिहार के कई जिलों में आज सुबह से ही दबिश दे रखी है। अररिया समेत पटना और कई जिले में आज सुबह से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और पटना में भी इसकी भनक देख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से फुलवारी के गौनपुरा जो इलाका है वो काफ़ी पॉश इलाका है और वहाँ पर एनआईए की टीम आज सुबह से पहुँची है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। हालांकि अभी तक अधिकारी जो है वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, अभी तक उनके द्वारा कुछ भी बाइट नहीं दिया गया है, मगर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल वो हम आपको बताएंगे, मगर इस वक्त की कहीं ना कहीं बड़ी खबर है राजधानी पटना के लिए कि फुलवारी शरीफ इलाके में एनआईए की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। पहले इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।